के लिए बुलावा उस आइलैंड से आया था। बीच पर तो कोई हलचल नहीं है, पर शक है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारा शक सही निकला। यहाँ पर खतरा है। बीच पर जाएंगे तो और भी खतरा होगा। ब्लैक की आर्मी वहाँ तैयार होगी। को बर्बाद नहीं किया तो हम तो गए काम से, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। बॉबी, जूल्स, वक्त है डबल बैरल शॉट का। मैंने कुछ मिस किया क्या? दिया बाल बाल बचे। चलो हम जीत गए, पर मुझे ऐसा लगता है अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। हुआ क्या था? कुछ हफ्ते पहले ब्लेक के आदमी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ अड्डा बनाया और शहर पर कब्जा कर लिया। उस आर्मी को कोई चला रहा है जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है। मैंने बहुत से फाइटर्स देखे हैं। हम उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर ज्यादातर गुफा के घरेलू स्लग्स को बंदी बनाकर उस आइलैंड पर रखा गया है। ब्लेक के आदमी उन्हें गुल्स में तब्दील कर रहे हैं। की हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। स्लग एनर्जी के बिना ये गुफा खत्म हो जाएगी। हमें उनके आइलैंड में जाकर उन स्लग्स को छुड़ाना होगा जल्द से जल्द। काश ये इतना आसान होता। सबसे पहले तो तुम्हें इस दीवार तक पहुंचना होगा। ठीक है। जिस तरह तुम लड़ते हो मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। वहाँ पहुँचने का ये एक ही रास्ता है।
पर एक बार अगर हम उस दीवार तक पहुंच गए तो मुझे लगता है कि ये पीछे जो जंगल है वहाँ से भी रास्ता होगा। अगर हम उस रास्ते से गए तो फिर बिना लड़े ही स्लग्स को बड़ी आसानी से छुड़ा सकते हैं। हाँ, पर अगर हमें लड़ना पड़ा तो हमें हर एक स्लग की जरूरत पड़ेगी, बल्कि कई सारे स्लग्स। तो मेरा स्लग ले लो। थैंक्स। इसका नाम क्या है? स्लग्स का नाम कौन रखता है? मैं। अच्छा, मैं बुलाऊंगा तुम्हें रूकी। ये करता क्या है? पता नहीं, मेरे पास ब्लास्टर नहीं, मैंने कभी इसे आजमाया नहीं। चलो हम जल्द ही पता लगा लेंगे। तो इसके साथ क्या कर सकते हो बॉबी? मैं टीम बना रही हूँ। हमारे पास अब ज्यादा फाइटर्स नहीं बचे हैं, पर अब भी मेरे पास कुछ ताकतवर स्लिंगर्स हैं जो लड़ेंगे। थैंक्स, पर तुम्हें और तुम्हारी टीम को यहाँ नजर रखनी होगी ताकि ये जगह सुरक्षित रहे। उन्हें आराम की जरूरत है, पर तुम तो ठीक हो ना? बिल्कुल, हम तुम्हें वही मिलेंगे उस जगह को हासिल करने के बाद। तैयार हो जाओ दोस्तों, हम हमला करने वाले हैं। Oh!
बहुत अच्छे शेन, हम उनके प्रोटेक्शन के लिए एक टीम तैनात करेंगे। गुड लक। थैंक्स। सुनो शेन गैंग, अगर हम चाहते हैं कि हम उन्हें हराएं, तो हमें अभी निकलना होगा। ये देखो पीछे का रास्ता बहुत ही करीब है। अरे शांत हो जाओ गॉड, हर बार लड़ने की जरूरत नहीं है मियाँ, शांति से चलो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ मियाँ, इन स्लग से कह दो कि चुप रहे वरना अच्छा नहीं होगा। जल्दी स्पिनर को भेजो। मैं इसे अपने झांसा देने वाले डेटाबेस में रखूंगा। चुपचाप आकर भी हमें कितना कुछ करना पड़ा। हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ सब हम ही को निशाना बना रहे होंगे। और अगर सब नहीं हो तो कोई ना कोई जरूर है। देखो वो डार्क बेन है। सोचने दो मियाँ, हमारी प्रोटेक्शन को उन्होंने उड़ा दिया है, अब हमारे अलावा और कोई नहीं बचा, और वो जालिम डार्क बेन इतनी बड़ी मशीन लड़ा दिखाकर हमको डरा रहा है, सोचता है कि प्रॉन्टो डर जाएगा। मैंने उन्हें पहले भी देखा है। और ज्यादा गोल्स बनाओ, मैं चाहता हूँ कि ये बची हुई स्लग्स भी गोल्स बने। किया बॉबी, ये लोग तो सुपर स्पीड से गूल्स बनाते जा रहे हैं, हमें उन दीवारों के जरिए रास्ता ढूंढना होगा। मेरे ब्लास्टर को चार्ज करना होगा, इससे पहले मैं डबल बैरल शॉट दोबारा लगाऊं। तो फिर मेगा मॉर्फ कैसा रहेगा? हाँ, पर मुझे स्पीड कैसे मिलेगी? लगता है जो है उससे ही काम चलाना होगा। तैयार बॉबी? हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम चाहते हो मैं तुम्हें दीवार पर निशाना लगाऊं? ठीक है बॉबी, जो ठीक लगता है वो करो।
जमीन पर रेसलर को पकड़ो और उसे कूल बनाओ। अब हमें जीत कर सारे स्लग्स को आजाद करना होगा। बूपी ने इस मिशन के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई और वो भी चाहता होगा हम भी ऐसा ही करें और हम उसे निराश नहीं करेंगे। तो चलो बूपी और बाकी सारे स्लग्स को बचाएं। रुकी, तुम जाओगे? अगर ऐसी बात है तो वक्त आ गया है देखने का तुम क्या कर सकते हो। वो गोल बनाने वाली मशीन मेरे करीब है, मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आओ से मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ जी। किसे पहले मारो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, सबको खत्म करने के लिए मेरे पास काफी गोल है। उसे मैं छू भी नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, पर तुमने उसका ध्यान तो बताया। नादान बच्चे, अगर इस दुनिया के तुम बेहतरीन फाइटर हो तो स्लग टेरा को खत्म समझो। लगता है शायद अब तुम मेरे स्लग बैंड के मेंबर बन गए हो। ये गुफा अब सुरक्षित है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज शेन गैंग की जीत हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मदद के लिए बुलावे आ रहे हैं इलाई सब जगह से। ब्लैक ने हमला बोल दिया है। हमला सिर्फ इस गुफा पर नहीं हुआ है, उसने सारे स्लग तेरा पर हमला करना शुरू किया है।
मतलब वो हमसे लड़ना चाहता है। अब हम उनका मुकाबला करेंगे और डार्टबेन की तरह ही उन्हें भी हराएंगे और दिखा देंगे कि उसके बनाए गूल से शेन गैंग नहीं डरती। स्लग टेरा कभी भी हार नहीं मानेगी।